మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి జిల్లా కాపరా మండల్ జవహర్ నగర్ మున్సిపల్ కమిషనర్ మంగమ్మ నిన్న సర్వే నంబర్ 474లోని ప్రభుత్వ భూమి ఆక్రమణలకు గురించి మీడియా సమావేశంలో ప్రకటన ఇచ్చారు. జవహర్ నగర్ మున్సిపాలిటీ వద్ద 474 సిపిఐ కాలనీ లేదని, వాస్తవానికి అది తప్పని అన్నారు. ఎన్డబ్ల్యూజేఏ టిడబ్ల్యూజేఏ తెలంగాణ స్టేట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అరుణ్ కుమార్ త్యాగి. కమిషనర్ మంగమ్మ ప్రజలను, ప్రభుత్వాన్ని మోసం చేయటంలో ఉన్నారని, ఎలక్ట్రీషియన్ గా ఉండే జిట్టా శ్రీనివాస్ అనే వ్యక్తి ఈరోజు టిఆర్ఎస్ నాయకుడిగా చలామణి అవుతూ భూ కబ్జాలకు పాల్పడి, జిట్టా శ్రీనివాస్ రెడ్డి 1,70,00,000 రూపాయల డబ్బు ఎక్కడి నుండి వచ్చిందని, మరియు ఎవరు అతని వెనుక ఉంది, ఇంకా ప్రభుత్వ భూ కబ్జాకు అక్రమ పనులకు ఎవరు మద్దతు ఇస్తున్నారని మీడియా సమావేశంలో ప్రశ్నించారు ఎన్డబ్ల్యూజేఏ టిడబ్ల్యూజేఏ తెలంగాణ స్టేట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అరుణ్ కుమార్ త్యాగి. तेलंगाना स्टेट में बहुत तकलीफ और बहुत दुख की बात यह है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पब्लिक का टैक्स जो है उससे सैलरी लेते हैं, दे आर नॉट ऑनेस्ट टू देम. पब्लिक को छोड़ो, दे आर नॉट honesty to their, they are not honest to their job also. Third thing, they are not honest to the government of Telangana also. Fourth thing, they are not honest to the nation also. बहुत शर्म आनी चाहिए, शर्म का बात है. ये documents मेरे पास आया है जो कि जवाहरनगर में हैंड टू माउथ था, जिसको खाने के लिए बराबर नहीं था. वो आदमी इलेक्ट्रीशियन जिट्टा श्रीनिवास रेड्डी का ये डॉक्यूमेंट्स है, जिसने ये है डॉक्यूमेंट्स जिसने 1,70,00,000 में 66 प्लॉट इन सर्वे नंबर 474 खरीदे. मेरा क्वेश्चन आईटी डिपार्टमेंट और ईडी डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ मेडचल मल्कागिरी कापरा मंडल और पुलिस अथॉरिटीज, एसीबी, एंटी करप्शन ब्यूरो फॉर द तेलंगाना स्टेट, आई अप्रिशिएट एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ द तेलंगाना स्टेट इज वर्किंग वेरी ऑनेस्टली एंड जो करप्शन कर रहे हैं उनको नहीं छोड़ रहे हैं, किसी भी प्रेशर में नहीं आ रहे वो लोग. आई सल्यूट द एंटी करप्शन ब्यूरो ऑल्सो. लेकिन जवाहरनगर म्यूनिसिपलिटी के अंदर कैसा चल रहा है बोले तो, मेयर काव्या उनका अगेंस्ट में गए तो फॉल्स केस लगाएंगे पुलिस को प्रेशर देके मंत्री जी का, झूठे झूठे केस डालना. गरीब जनता है, उन्होंने एक रूम बनाया, दो रूम बनाया तो उनका रूम तोड़ा देने का, नहीं तो जो है वो जो लैंड और वेंचर जो भी करा उन्हें जो है मेयर के फादर को आके पैसे देने का, पैसे नहीं दिया तो उन लोगों का घर तोड़ा देना. जैसे अय्यप्पा टेम्पल है, स्वामी नरसिम्हा टेम्पल है अपना गुट्टा का पास, वहां पे जो है 10-12 घर जो है मेयर ने तोड़ा दिया. ईमानदारी के साथ जिसने उसके ऊपर न्यूज डाला उसके ऊपर केस डल लगा दिया काव्या ने, मेयर काव्या. एक चीज मैं साफ साफ बता देना चाहता हूं कि द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज एप्लीकेबल ऑन मेयर ऑल्सो. परसों मैंने म्यूनिसिपल कमिश्नर मंगम्मा का कल स्टेटमेंट देखा,
बहुत अच्छी बात है, आप बहुत ईमानदारी से अपना स्टेटमेंट दे रहे हो, वर्बल ही नहीं करके बताइए। ये कागज यहां रखा है, आपने जिट्टा श्रीनिवास रेड्डी का नाम क्यों नहीं बोला? 1,70,00,000 रुपए जिट्टा श्रीनिवास रेड्डी एक इलेक्ट्रिशियन के पास कहां से आया? नया इनोवा कार जिट्टा श्रीनिवास रेड्डी इलेक्ट्रिशियन जो अभी टीआरएस पार्टी मेयर के साथ काम कर रहा है उसके पास कहां से आया? एनफील्ड बुलेट कहां से आया? एक इलेक्ट्रिशियन बेचारा, मैं बहुत लोगों को जानता है जवाहर नगर में, सिंस 28 इयर्स और 29 इयर्स आई एम लिविंग हियर इन जवाहर नगर, ठीक है ना, मैं बहुत सारे लोगों को जानता है जो कि बेचारे हैंड टू माउथ है इलेक्ट्रिशियन, काम करने के बाद भी उनको बराबर तरीके से उनकी जो नॉर्मल लाइफ है वो नहीं चलती है। ये भाई साहब के पास 1,70,00,000 रुपए कहां से आए? क्वेश्चन है ये तेलंगाना गवर्नमेंट को, मेयर को, म्यूनिसिपल कमिश्नर को, ठीक है ना, डिप्टी मेयर को, उसके बाद जो म्यूनिसिपलिटी के जितने भी कॉर्पोरेटर्स हैं सबको, जिट्टा श्रीनिवास रेड्डी के पास 1,70,00,000 रुपीज कहां से आया? कोई एक्सप्लेनेशन है मुझे बताइए। आई रिक्वेस्ट टू द ऑनरेबल ऑथोरिटीज ऑफ द तेलंगाना स्टेट दोज हु डिजर्व टू टेक द नेसेसरी एक्शन ऑन दिस पर्सन। बहुत ही शर्म की बात है, मेयर जो बोलेगा वही करती है मंगमा मैडम, कमिश्नर जवाहर नगर म्यूनिसिपलिटी, क्यों? म्यूनिसिपल कमिश्नर जो है सिर्फ मेयर के लिए है? व्हाई यू आर हैविंग द फियर ऑफ मेयर? क्यों नहीं आप काम कर रहे हो तरीके से? अयप्पा का अपार्टमेंट इलीगल तरीके से परमिशन लिए 5 फ्लोर बना के खड़ा कर दिया, ओके 5 फ्लोर बना के खड़ा कर दिया 2009 के 10 में, कब उसने परमिशन लिया? उसके बाद जो है ये मेयर, जो मेयर काबिल पोजीशन में आने के बाद उसका एनओसी भी मिल गया, वो इश्यूड द एनओसी। अभी तक जितने भी स्टार्टिंग से लेके जवाहर नगर म्यूनिसिपलिटी ओपन होने, ग्राम पंचायती से लेके अभी म्यूनिसिपल तक, कम से कम 4-5 बार आप लोगों के डॉक्यूमेंट पूरे सीज करके कलेक्टर साहब क्यों लेके चले जाते हैं? बिकॉज यू आर ऑल आर द हैबिचुअल ऑफेंडर इन चीटिंग टू द गवर्नमेंट, चीटिंग टू द नेशन, चीटिंग टू द पब्लिक। एक गरीब जनता, एक गरीब आदमी एक घर बनाता है तो उसका घर तोड़ा देगा मेयर? उसके फादर का क्यों नहीं टूट रहा अपार्टमेंट? रोड के ऊपर जो है वॉचमैन का पोस्ट बना के रख दिया, सामने जो है शेड बना के रखा है अपार्टमेंट के, जिसमें कि ऑनरेबल एमआरओ रविंदर रेड्डी साहब जो कि क्रिस्टल है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, उन्होंने बोर्ड लगाया, वो बोर्ड निकाल के फेंक दिया। क्या धंधा मचा के रखा है इसने, मेयर के फादर ने और मेयर के ब्रदर ने? शर्म आनी चाहिए, एक्शन क्यों नहीं ले रहे? मेयर के ऊपर भी, उसके फादर के ऊपर भी, उसके ब्रदर के ऊपर भी और म्यूनिसिपल कमिश्नर के ऊपर भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, जिसके सामने अच्छे अच्छे को भी और गंदे गंदे को भी बेंड होना पड़ता है, ठीक है। मुझे शर्म आता है आप लोगों को सब कुछ मालूम होने के बाद भी देन ऑल्सो यू आर चीटिंग टू द गवर्नमेंट, चीटिंग टू द नेशन, चीटिंग टू द पब्लिक। थोड़ा अरे 100 रुपए सैलरी ले रहे हो, कम से कम 50 का तो काम करो है। मीडिया को बुला के जो है स्टेटमेंट देने से पहले ये भी दिखाना उनको, मीडिया को सब कुछ मालूम होने के बाद साइलेंट रहने से अच्छा नहीं रहता। कमिश्नर मंगमा मैडम, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऑनरेबल एसीबी डीजी फॉर तेलंगाना स्टेट एंड ऑल्सो ऑनरेबल एमआरओ, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मेडिकल मलकाजगिरी एंड ऑनरेबल सीपी महेश भागवत, ऑल्सो द पुलिस ऑथोरिटीज ऑफ द जवाहर नगर पुलिस स्टेशन, अभी तक जवाहर नगर म्यूनिसिपलिटी में कितने भी सेक्रेटरी आए और अभी जितने भी म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं, इन लोगों का जिस दिन डेट ऑफ एनरोलमेंट से लेके आज तक का इनका एसेट्स का इंक्वायरी होना चाहिए। किसी को संबड़ी मिल से मेरा इंक्वायरी होना चाहिए, आई एम रेडी, मेरा इंक्वायरी कीजिए। 94 में मैं आर्मी में भर्ती हुआ था, तब से लेके अभी तक मुझे नया गाड़ी खरीदने का सोचना बोले तो डर लगता है, नया गाड़ी खरीदने के लिए सोचना बोले तो डर लगता है। ये जब चाहे तब नया गाड़ी, नया घर, नया ये, नया वो, बेनामी प्रॉपर्टीज, बेनामी प्रॉपर्टीज इन लोगों को क्यों छोड़ के रखा हुआ है? मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट है,
जो अथॉरिटीज हैं, हायर अथॉरिटीज हैं, उन लोगों से यही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं मैं कि इस देश को, तेलंगाना स्टेट को बचाना है तो ये जो भू बकासुर बोलते ना, उन लोगों आपको एक्शन लेना पड़ेगा उनके ऊपर, अदरवाइज ये लोग लाइक ए वाइट आंट ये खाते जाएंगे इस देश को, लूटते जाएंगे इस देश को, समझे। एक्शन लीजिए, वही जो है जनता का फेवर है, वही इस देश का फेवर है, वही तेलंगाना स्टेट का फेवर है। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि इन लोगों को छोड़ा ना जाए किसी भी हालत में। पहले जितने श्रीनिवास रेड्डी ने 200 गज प्लॉट बेचा, फिर 300 बेचा, फिर 1000 गज बेचा, फिर 2000 गज बेचा, फिर 1 एकड़ बेचा। 706 सर्वे नंबर में कौन कर रहा है 15 एकड़ जमीन? गवर्नमेंट की लैंड है वो, किसी के पिताजी की लैंड नहीं है। ये सब लोग जो है अपना झंडा गाड़ के, कड़ी गाड़ के वहां पे लगा देते हैं। आप सोचना चाहिए